कमिंग बैक टू द डिस्कशन, रमज़ान की डिस्कशन से अब आगे बढ़ते हैं और PSL, बिकॉज अब जो PSL का पूरा सिलसिला चलेगा वो रमज़ान में चलेगा. इट विल बी अनदर रमज़ान क्रिकेट दैट वुड बी हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस. और टाइमिंग आई बिलीव मैचेस की अब चेंज हो जाएगी. 9 बजे से अब जो रात के मैचेस, अब जो रात में ही खेले जाएंगे मैचेस, और 9 बजे की टाइमिंग हो जाएगी. 9 बजे से अब मैचेस जो हैं वो शुरू हुआ करेंगे. बट कल पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स, बिल्कुल कराची किंग्स ने वन साइडेड नहीं किया. कल कराची किंग्स ने जो है वो तगड़ा मुकाबला किया पेशावर ज़ल्मी से. यू वर एक्सपेक्टिंग कि नहीं जी, कराची किंग्स वुड नॉट बी मच इंटरेस्टेड. मैं मेरे कहने का मतलब था कि जो बेंच पे लड़के बैठे हैं उनको मौका देना चाहिए. अगर आपकी क्रिकेट, आपने पता क्या, आपने ठीक है जीत को तो सामने रखना होता है, मगर व्हेन यू आर आउट ना, यू शुड नो नेक्स्ट ड्राफ्टिंग जो आपकी आनी है. जो बेंच पे लड़के हमने बिठाए हुए हैं, कैन वी टेस्ट देम? और जब आप उनको टेस्ट कर लेते हैं तो अगला ड्राफ्टिंग जो आना है तो आसान हो जाता है आपका. मुझे ये लगता था कि हैदर, नोइंग हैदर और शान और जितनी भी उनकी मैनेजमेंट है, मुझे ये लगता था ये जरूर एक्सपेरिमेंट करेंगे. बट ऑब्वियसली दे वांट टू विन एंड दे वांट टू फिनिश ऑन अ गुड नोट. बट हैविंग सेड दैट, जीता हुआ मैच आ रहे हैं फिर एक दफ़ा, आराम से मैच जीत सकते थे वो. मतलब मैंने तो आखिरी तीन चार ओवर देखे ही नहीं. मैंने कहा मैच तो मैच इज ओवर नाउ. सिली मिस्टेक्स, लिटिल स्मॉल सिली मिस्टेक्स. सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू पेशावर ज़ल्मी बिकॉज दे गॉट अ ग्रेट मोमेंटम और उनका बिलीव नहीं छोड़ा. कल बाबर को मैंने देखा एंजॉय करते हुए, कैप करते हुए, कैप्टनसी के एक दो चौके लगे उसको. पर ही वॉज क्लैपिंग सम टाइम, यू नो ही वॉज नॉट डूइंग इट इन अ पास्ट. बट लास्ट नाइट जो चौका पड़ा एक किसी को, तो उसने कोई उसको ने उसे शाबाश दिया और उसको मोमेंटम उसका कंटिन्यू किया. और आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि जो PSL की जो खूबसूरती है ना, वो ये है कि ऐसे मैचेस होने चाहिए ताकि जो हमारे जैसे जितने भी ऑडियंस हैं वो एंजॉय कर सके क्रिकेट. yes, दिलचस्पी से भरपूर. दिस इज द लोएस्ट टोटल डिफेंडेड बाय एनी टीम इन कराची. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. देखो ना, अभी इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है. वो उसके ऊपर अफरीदी पे वसीम ने किया कि बड़ी उस पर तनकीद कर दी कि यू नो उसने ये नहीं करना चाहिए था, रजा को आना चाहिए था, फलाना चाहिए था. एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ते हैं, ये करने पड़ते हैं. इस वक्त व्हेन चिप्स आर डाउन, लुक अहेड. टुमारो इज अनदर ईयर एंड यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे. लोएस्ट टोटल सवेरा होएगा, हाईएस्ट टोटल होगा. हमने तो एटीट्यूड को देखना है, वही अडेप्टेबिलिटी की जो हम बार बार करते हैं. वी हैव टू सी कि एप्लीकेशन कहाँ जा रही है आपकी. सो एप्लीकेशन हैज़ टू बी द फोरमोस्ट, यू नो द की वर्ड, कि आर यू अप्लाइंग योरसेल्फ और यू नॉट अप्लाइंग योरसेल्फ. सो हेयर आई थिंक ओके, द गेम वॉज ओके, इट वॉज अ गुड गेम, बट इट वॉजंट एज यू नो परहैप्स अ क्रिकेटर वुड एक्सपेक्ट. हाँ, फैंस के लिए ज़बरदस्त है. यू नो कराची फैंस विल बी डिसअपॉइंटेड, यू नो पेशावर वुड बी एक्साइटेड एंड ऑल. लेकिन हमने अगर हम निचोड़ निकालेंगे, मैं तो यहाँ स्कोर स्क्वायर वन बोर्ड पर बैठूंगा, यार वॉट इज हैपनिंग विद शान, वॉट इज गोइंग ऑन. सो यू नो आप फिर एक सीरियस एक नोट के ऊपर फिर लोगों को आप गेज करना शुरू करोगे. मैच तो हार जीत लगे रहेगी आपकी, उसमें कोई यू नो दो राय नहीं है. लेकिन हमने देखना है ड्राइंग बोर्ड के अंदर ये हो क्या रहा है. Why is Shan doing everything when Shan is going to be the spearhead of us? Yes. जी साहब, ये शान का आपने जिक्र किया, आप उन्हें बहसीत कप्तान पसंद भी करते हैं, आपने मुख्तलिफ हिस्सों में उनके हवाले से अपने ख्यालात का भी इजहार किया. आपको लगता है कि ये एक बड़ी ख़ास किस्म की मायूसी या ख़ास किस्म की दिल बर्दाश्त हुए होंगे, या उनके लिए ये वाली जो सीज़न है नवा सीज़न, ये कोई इतना अच्छा साबित नहीं और इसका असर पड़ सकता है उनकी आने वाली क्रिकेट पर भी? हम साहब, मैंने तो इसके आने से बहुत पहले कहा था इसको स्टडी करके कि इसमें पोटेंशियल है. मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि आपने रिचर्ड्स को नंबर 3 से लेकर 7 तक खिलाया, फेलियर हर जगह फेलियर, और इवेंचुअली आके विव रिचर्ड्स, देखो हम बात करते हैं द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ कंटेम्प्रेरी टाइम, आपने इसके साथ परसिस्ट करना है. ये नहीं कि देखो अगर तो आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए तो भूल जाओ, लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, एक निटेड टीम चाहिए, इस लड़के को रखो एंड कंटिन्यू विद हिम. हमने पाकिस्तान क्रिकेट में लड़के इस तरह ख़राब कर दिए हुए, आप लेके आते हैं हीरो बना दिया, उसके बाद परफॉर्म नहीं किया, जीरो कर दिया, बाहर निकाल दिया. आपने कंसिस्टेंसी दिखानी है लड़के के अंदर. जब लड़का इस लेवल पे आता है उसको फेलियर भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी. लेकिन फिर आपने पीपल लाइक मुश्ताक एंड अदर्स, तो ये रिफाइनमेंट आती है जाके, दे विल यू नो चिजल ऑफ द बैड थिंग्स एंड पुश देम फॉरवर्ड. That has to be the way through. मायूसी होती है, किसको नहीं होती यार.
अब यू नो नंबर 11 भी आउट होता है वो भी मायूस होता है यार देखो मैंने क्या कर दिया। तो ये यू नो मायूसी ये क्रिकेट की है ही, लेकिन हमने इसे बालातार होकर ऊपर जाना है इसके आगे। मुझे भाई कल शान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड है, अपनी परफॉर्मेंस से भी बहुत डिसअपॉइंटेड है, दैट ही कुड नॉट डिलीवर एंड ऑब्वियसली टीम भी नहीं बेहतर कर सकी। बट यही जो जैसे जिस तरह हाफिज ने पूछा है PSL की परफॉर्मेंस को क्या इतना आप अपने सर पे चढ़ाएं कि आपकी इंटरनेशनल आपकी नेशनल टीम की जो सर्विसेज हैं वो इम्पैक्टफुल हो जाएं, क्या ऐसा करना चाहिए, ऐसी बाइफर्केशन कर सकता है कोई खिलाड़ी? ये इंसान की फितरत है कि दूध का जला पानी को भी फूंके मार छाछ भी फूंक फूंक के ये ये क्यों करता है इंसान? क्यों इस एग्जाम्पल क्यों कोड की गई कि आपका कॉन्फिडेंस जब लो होता है ना तो फिर वो हर तरफ से होता है। आपकी कैप्टनशिप भी फर्क पड़ता है आपकी। हाँ इन्होंने पीजे वी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, यू नीड अ गुड पीपल अराउंड यू, द पीपल हु डन इट हु वेंट थ्रू फ्रॉम दैट पीरियड, उस पे उस फेज से गुजरे हो ना तो वो टेक यू आउट ना। वो कहते हैं कि रक्षान कोई मसला नहीं, मेक इट सिंपल, नहीं होता तुम फिक्र ना कर, कोई मसला नहीं है। वो आपको ना जो आपने 200 दिन लेके वापस आना होता है ना आप 50 दिन में वापस आ जाते हैं, ये फर्क पड़ता है। फर्क ये नहीं पड़ता कि उसको डैमेज नहीं हो, डैमेज होता है इंसान, बट जिसमें पीजे मिसर ने कहा पोटेंशियली लड़का बहुत अच्छा है, ही इज गॉट ग्रेट लीडर क्वालिटीज, अच्छा हम्बल लड़का है, पढ़ा लिखा बच्चा है, ऊपर से बैट्समैन भी बहुत तगड़ा है। बट हैविंग सेड दैट कि इसको इस वक्त एनवायरनमेंट वो चाहिए जिसके ऊपर उसको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे, यू नो सिर्फ पॉजिटिव, जो चला गया जो तो निकल गया वो निकल गया, उसे सीख लो ना, उसे सीख लो। इसलिए यू नीड गुड सराउंडिंग, यू नो कहते हैं ना आपके इर्द गिर्द वाले लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आई थिंक शान को ये बहुत ज़रूरी है कि ही शुड हैंग विद द पीपल जो उसको थोड़ा सा मोटिवेट रखें, जिंदगी के बारे में बताएं, यू नो बताएं कि फेलियर कितने कितने बड़े प्लेयरों के फेलियर आए। मैंने ग्रेट जुवेद मियादाद को जिम्बाब्वे खिलाफ 10 नहीं रन होते देखा एंड ही वॉज क्राइंग, मतलब ग्रेट जुवेद मियादाद वॉज क्राइंग कि यार स्कोर नहीं हो रहा, एंड ही वॉज होपिंग कि कोई 20-25 रन हो जाए। मतलब उन्होंने 4-3 टेस्ट मैचों में कुछ भी नहीं किया बेचारों ने, और उनके ऊपर प्रेशर था, उनकी सिलेक्शन के ऊपर उनका आखिरी टाइम चल रहा था, एंड ही वॉन्ट्स टू प्रूव द पॉइंट। अब वहाँ पे उनको क्या चाहिए था, उनको जुवेद मियादाद को भी चाहिए था एक बंदा जो उसको बताए कोई बात नहीं जुवेद भाई, यू डन इट फॉर पाकिस्तान मेनी मेनी टाइम फॉर सच ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, व्हाई यू वरीड अबाउट इट। हम आपको सलूट करते हैं, हम आपको यू नो यू सडनली स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ जब आपके इर्द गिर्द वाले कहें ना कि कर रहे हैं तू एंजनी करना चाहिए था यार तू डिसीजन गलत ले लिया, यू नो यू क्रिएट लॉट्स ऑफ डाउट। बस इसलिए तो कहते हैं ना यू सराउंडिंग हैज़ टू बी ए ग्रेट सराउंडिंग, वो इसलिए ये जो हम बात कर रहे हैं शान को ये ज़रूरत है इस वक्त, एंड आई थिंक ही शुड टेक आफ्टर ऑब्वियसली वायर तो हो गए हैं, ही शुड टेक अ ब्रेक फ्रॉम क्रिकेट एंड जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। बिल्कुल, बिकॉज अभी 10 इनिंग्स में 158 रन बनाए हैं शान ने, तो वो खुद भी अपनी परफॉर्मेंस को असेस कर रहे होंगे, बिकॉज ड्यूरिंग द टेस्ट मैचेस ही वाज वर्किंग इवन ऑन हिज स्ट्राइक रेट, नॉट जस्ट स्कोरिंग रन्स बट ऑन हिज स्ट्राइक रेट एज वेल। यहाँ पे जब रन्स किए भी तो वो स्ट्राइक रेट को भी मैनेज नहीं कर सके, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें एक खिलाड़ी खुद अपना सबसे बड़ा अकाउंटेबल अपने आप को अकाउंटेबल कर सकता है, और वो ही मस्ट बी डूइंग दैट। He must be doing it. He must be feeling it inside. He's got the potential. देखो ना जहाँ जिस लेवल पे वो आ गया है, अब यहाँ तो नहीं करेगा तो डिसअपॉइंटमेंट है, फैंस की डिसअपॉइंटमेंट है, टीम्स की डिसअपॉइंटमेंट है, उन पर तनकीद भी शुरू हो जाती है, देखो जी कप्तान है उनकी अपनी जगह नहीं बन रही, ये नहीं बन रही, ये चीज़ें चलती हैं। डॉन ब्रैडमैन का आखिरी टेस्ट मैच उसने बड़ा कोशिश की कि वो भी जाके 100 कर जाए, नहीं होता, ये चीज़ें चलती हैं सारी। और एक चीज़ कहूँ, ये ऐसी गेम है आपको लेवल पे लेके आती है, ये लेवलर है, आज का हीरो कल का जीरो। बिल्कुल, मैं तो अपनी एग्जांपल देता हूँ, 50 कर दिया तो हीरो फिर वो पता है वो पता नहीं आपके उसमें था कि नहीं, वो कलेक्शन जाती है इधर, वो लीग मैच वो कलेक्शन जाती है, वो तो हम कहते हैं यार चलो पॉकेट मनी आ गई है, अगले मैच में जीरो तो गाली कोई ना करे, गोरे नहीं गोरे बड़े प्यार ना कहते, पता ही कहते when you score runs buddy when you score runs yeah aise hi karte hai khudai ki qasam aur jisne sasan tane nahi maar diye sunaniya teen ude karniya no hai na khuda ki qasam aise hi karte hai wo aapko nahi chhodte bhai they are paying you for it so you have to be consistently performing yes mujhe yaad hai usko 4 chhikke pad gaye holding ko ye jahan waseem khelta hai waseem raja to khuda ki qasam ye holding ko kisi ko baat hi na kare माइकल होल्डिंग जी माइकल होल्डिंग और अब वेस्टइंडीज का मेन प्लेयर उससे बात ना कोई करे, ये मैं आपको बताता हूँ, वो जो लीग क्रिकेट वहाँ की जो है वो आपको इतना तकड़ा करती है और प्रोफेशनल बनाती है कि यू प्ले विद रिस्पॉन्सिबिलिटी।
एक एक शॉट कैलकुलेटेड होती है वहाँ, यार मैं आउट हो गया हूँ तो बाहर गाला ही पैनी है गोरा था गाला दे नाल नाल डब्बा भी नहीं घूमता डब्बा भी नहीं डब्बा भी नहीं घूमता डब्बा भी नहीं नहीं कभी कभार ये ऐसे लेवल करने वाली जो लीग्स होती हैं दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर और आप जब उनसे निकल कर आते हैं तो ऑब्वियसली और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. अनदर एग्जाम्पल दैट वी हैड येस्टरडे बाबर आजम दूसरी तरफ, बिकॉज जब बाबर आजम ने पोस्ट मैच सेरेमनी में बात की तो उन्होंने यही कहा कि लीग्स में आपको ऑप्शन मिलता है टू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स. मेरे पास ये ऑप्शन आया कि मैं टीम के साथ साथ तो टीम को तो पुश करता रहूँ बट ट्राई आउट करूँ दूसरी चीज़ें जो हमें दिख भी रही थी, हिज इम्प्रोवाइजेशन, हिज वर्किंग ऑन स्ट्राइक रेट्स. एंड एक फ़ायदा हो जाता है एक प्लेयर का जब वो इस तरह इस लाइंस पे सोचने लगे कि ये टारगेट है मेरा, इस लीग से मैंने यही अचीव करना है, टीम को तो जितवाना ही है बट अचीव यही है करना. आई थिंक ये बहुत अच्छी बात की बाबर ने, प्रोफेशनल है इसीलिए वो नंबर वन प्लेयर है ना, नंबर टॉप पे अभी तो नहीं आया ना. सोच उसकी है और वो सोच को ना इम्प्लीमेंट करता है. एक होता है सोचना, कहते हैं ना, यो फिर बार बार वो लफ्ज बोलते हैं हम इस प्रोग्राम में, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स. आप जो मर्जी चंगी जितनी मर्जी बात कर लें मगर आपके इम्प्लीमेंट जो है ना, आपके अमाल आपको हमें शाबाश देने पर मजबूर करते हैं. तो आई थिंक ये जो शान बाबर आजम बात कर रहे हैं ना, देखें होता क्या है कि जिस तरह बाबर आजम, वसीम अकरम साहब, वकार यूनुस साहब, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं हमारे, वो जब काउंटी क्रिकेट खेल के हैं ना, उनको क्रिकेट का बहुत समझ आई. काउंटी क्रिकेट, लीग क्रिकेट की जो बात करते हैं ना, हर डिफरेंट पिच है. एक आधे घंटे में ठंड पड़ रही होती है, आधे घंटे में सूरज निकल आता है. सो यू गॉट टू अडेप्ट दोज काइंड ऑफ थिंग ना, वो आपकी गेम का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है. बाबर को पता चल गया कि लोग मुझे कहते हैं कि छक्के नहीं मारता, मुझे छक्के मारने पड़ने. वो दो दो घंटे फिर प्रैक्टिस करता है और प्रैक्टिस करके डाउट नहीं आने देता. देखिए मैं प्रैक्टिस करता हूँ, अक्सर लोग पता क्या भूलते हैं, अक्सर लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छी करते हैं, वो प्रैक्टिस को मैच में नहीं ट्रांसफर करते. आसिफ अली इतने छक्के मारते हैं नेट्स में, कहाँ गए वो छक्के? वो इसलिए कि वो बिलीव नहीं है. देखिए प्रैक्टिस को, बड़ा प्लेयर जो होता है ना, वो प्रैक्टिस के वर्क एथिक्स और माइंड को ना उधर ले जाता है. हम प्रैक्टिस में हमारे कौन से आसिफ शाह किसी का नाम ले लें, हम प्रैक्टिस में ना हम आउट होने का डर नहीं होता. बाबर शायद आउट होने के डरते साथ साथ कहता है यार मैं आउट हो रहा, कोई बात नहीं, आई एम गोना डू इट. अब वो ये एक सोच है ना मेरी. अब मैच में प्रेशर है, मैच में प्रेशर वाली नेट में अगर मैंने सोचा यार कोई गल नहीं आउट हो जाएगा, सो व्हाट, बट मैंने चैंपियन बड़ा प्लेयर बनने के लिए मुझे चांस देना पड़ेगा. अब वो नेट प्रैक्टिस को जब मैच के अंदर ले जाएगा, इंडल्ज करेगा उस वर्क एथिक्स को, उस माइंडसेट को, उसको कौन हरा सकता है? बिल्कुल. आपको देखो ना, मैं अगर 6 ओवर करता हूँ नेट में और 6 ओवर में एक गंदा गेंद नहीं करता और मेरा माइंडसेट होता है मैंने इस रिदम से किया, ये माइंडसेट था, मुझे आउटकम का कोई फिक्र नहीं है कि कौन सामने खेल रहा कौन नहीं खेल रहा, जब मैं उस प्रोसेस के अंदर जाके उस नेट प्रैक्टिस को मैच के अंदर ले जाऊंगा तो who will be the winner? Me. Obviously. सिंपल सी बात है. और ये कई लोग कंफ्यूज करते हैं इन चीजों.